अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रिपल क्रोशिया सीखेंगे। इसके लिए ये देखिए, मैंने सिंपल वूल ले लिया, 4-ply वूल है ये, 5.5 mm क्रोशिया हुक ले लिया। ये देखें जी, एक नॉट लगा के हमने एक लूप बना लिया, स्लिप नॉट लगाई और एक लूप बना लिया। अब आप सिंपल चेन ले लें, देखिए जी मैंने 12 चेन्स ले लिए हैं, 12 चेन्स। इसमें हमने फर्स्ट 3 चेन्स को छोड़ के, सॉरी 4 चेन्स को छोड़ के पांचवी चेन में काम करना है। फर्स्ट 4 को छोड़ा और फिर पांचवी वाली में। इसमें हम हुक के ऊपर वूल को 2 दफ़ा लपेटेंगे और फिर पांचवी चेन में हुक इंसर्ट करेंगे, फिर वूल लपेट के 2 में से निकाला और फिर वूल लपेट के इसी तरह करके टोटल 3 दफ़ा हमने, ये देखें दोबारा से, हुक के ऊपर 2 दफ़ा वूल को लपेटा, नेक्स्ट चेन में से ये एक लूप निकाला, हमारे पास टोटल 4 लूप्स आ गए हुक के ऊपर। अब वूल को लपेट के 2 में से निकाला, फिर वूल को लपेट के 2 में से निकाला और लास्ट टाइम फिर वूल को लपेट के 2 में से निकाल लिया। डबल क्रोशिया में हमें 2 दफ़ा निकालना पड़ता है लूप्स में से, इसमें हमें 3 दफ़ा निकालना पड़ेगा। फिर से देखिए, 2 दफ़ा हमने हुक के ऊपर वूल को लपेटा, नेक्स्ट होल में से निकाल के लूप 2 में से, फिर 2 में से और फिर 2 में से वूल निकाल ली। फिर दो दफ़ा हुक पे वूल को लपेटा, चेन के अंदर से एक लूप निकाला। अब ये देखें जी कितना सिंपल है ना। बस इसमें आपने हुक के ऊपर वूल को 2 बल देने हैं। डबल क्रोशिया में आप 1 बल देंगे, सिंगल क्रोशिया में आप कोई बल नहीं देंगे, और ट्रिपल क्रोशिया में आप 3 बल देंगे। 3 बल देने के बाद आप इसको 3 दफ़ा डबल डबल लूप्स को निकालेंगे। ये देखें जी, ये 2 में से और फिर 2 में से, इसी तरह ये लास्ट वन में से हम निकालेंगे। ये देखें जी, ये है हमारा ट्रिपल क्रोशिया। ये काफ़ी लेंथी होता है, बड़ी शॉल्स वगैरह में अक्सर ये यूज़ होता है, फ्लावर्स के पेटल्स बनाने में, पत्ते बनाने में ये यूज़ होता है। तो ये देखें, ऐसे काफ़ी लेंथी होता है, ये डबल क्रोशिया से बड़ा होता है ये काफ़ी। अच्छा देखें जी, अब हमने 3 चेन्स बना के अपने वर्क को टर्न करना है। फर्स्ट वाले ये इसी तरह 2 दफ़ा हमने हुक पे लपेटा और फर्स्ट वाले चेन को छोड़ के नेक्स्ट वाले में से इसको निकाल लिया। ये देखें जी, 2 दफ़ा हुक पे लपेट के नेक्स्ट चेन में से ये निकाला। जैसे आपने फर्स्ट रो में किया, सेम उसी चीज़ को आपने रिपीट करते हुए जाना है। ये देखें जी, 2 में से, 2 में से और फिर लास्ट में 2 में से। इसी तरह आप हर आने वाली चेन में हुक इंसर्ट करें और ट्रिपल क्रोशिया बनाते जाएं। बिल्कुल सिंपल है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये स्टिच भी आ जाएगा। ये देखें, ये ठीक है जी, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो आप इसी तरह बनाते जाएंगे। आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो आप इसी तरह रोज़ को रिपीट करते हुए बना सकते हैं। ये देखें, इसकी लेंथ काफ़ी है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। ये देखें, बहुत प्यारा स्टिच है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।